फैसला नहीं होगा जब तक बिजली नहीं लगेगी, कोई फैसला नहीं होगा। बच्चे से बिजली पानी कटी हुई है, छोटा सा बच्चा, मेरे दोनों टांगों में ऑपरेशन हुआ है, दो बारी बच्चा गिर गया, मैं गिर गई। पांचवी मंजिल बन रही है, कैसे बन जाएगी? एक बार तोड़ गई कारपोरेशन, दोबारा हमने ITI लगा दी है, और भी आगे चलेंगे। नीचे बोरिंग का पाइप लगा रखा है। अमित शाह जी से बात करने जा रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। ये थोड़ी है कि हमारा आदमी उसका घर में नहीं, परेशान करा हुआ है इसको, है घर में आके टैली करते हैं, तुझे ये कर देंगे वो कर देंगे, छोटे छोटे बच्चे परेशान है, इनको शर्म नहीं आती? पानी ले रहे हैं, पानी कहाँ से? चौथी मंजिल से पानी आ रहा है, कहाँ से बिजली आ रही है? डूब मरना चाहिए। ये रिश्तेदार है, इन्होंने 420 से रजिस्ट्री बनवा ली, वो तो वकील ने सलाह दे दी, इसलिए हमने रजिस्ट्री कैंसिल कराई। और बिजली वाला है रजिस्ट्री लगा रखी है, हमने कहा रजिस्ट्री ये देखो हमारे पास है, हमारे पूरे बिजली के बिल के रिकॉर्ड हैं, ये देखो सारे पुराने, और हमारे पास पूरी रजिस्ट्री है। इनको हमने पहले बता रखा था हमारा बैंक में लोन चल रहा है, हमारे मकान नहीं बेच सकते ना खरीद सकता कोई, तो इन्होंने पता नहीं क्या हमारे से फ्रॉड धोखा करके साइन कराए, अब हमारा बिजली पानी लगने नहीं दे रहे। कल कोर्ट केस है, दिखाओ ना कोर्ट केस कहाँ है, दिखाओ, हम देखते हैं। और जब तक बिजली नहीं लगेगी यहाँ कोई फैसला नहीं होगा, और आगे चले जहाँ तक चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तमाम साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार, और बता दूं एक मामला सामने आ रहा है भारत देश की राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा से, और पीतमपुरा का ये राजनगर का ये क्षेत्र है। मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग यहां पर देख रहे होंगे, जिसमें मतलब ये बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, और बता दूं यहां पर 4 मंजिल तक मकान बनाना अलाउड है। फिर बता देना चाहता हूं यहां पर पीतमपुरा के अंदर, राजनगर के अंदर जहां मैं मौजूद हूं, वहां पर 4 मंजिला मकान अलाउड है, लेकिन यहां पर 5वां फ्लोर भी अभी इल्लीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन की जा रही है, और जबकि इसकी कंप्लेंट MCD के अंदर देने के बावजूद भी अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। अब ना जाने किस अधिकारी का इनके ऊपर हाथ है या किस तरह का मामला है। दूसरी चीज बता दूं यहाँ पर दिल्ली के अंदर, एक राजधानी दिल्ली के अंदर एक ऐसा परिवार अभी भी है जो बिना लाइट, बिना बिजली और बिना पानी के अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत कर रहा है, और उनको क्यों करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग दंपत्ति अभी मेरे साथ हैं यहाँ पर, और ये अपनी पूरी फाइलों को लेकर के इस समय अभी भी परेशान है कि हमें अपने मकान के अंदर ना बिजली है, ना पानी है, ना यहाँ पर किसी तरह की सुविधा है, और इनके खुद के कोई ना कोई करीबी है या दूर का रिश्तेदार है जो मकान, क्या नाम है, जिसने इनको बिल्डर है जो, उसने कहीं ना कहीं इनके साथ छल कपट किया है, धोखाधड़ी का पूरी पूरा मामला है, और बताया जा रहा है कि 15-20 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं वो, और ताकि हम इनको बिजली और पानी जब देंगे, जब वो 20 लाख रुपए की रिश्वत देंगे, और वो कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, वो कोई बिजली डिपार्टमेंट का व्यक्ति नहीं है, कोई दिल्ली जल बोर्ड का व्यक्ति नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी 20 लाख रुपए की रिश्वत, और खुद इलीगल तरीके से अभी 5वां फ्लोर बना रहे हैं। पूरा मामला क्या है एक बार मैं इनसे ही जानूंगा। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा मेहता है। अच्छा ये नंबर बताओ, मकान नंबर कितना है आपका? हाँ जी ये 27 राजनगर अपर ग्राउंड पीतमपुरा। पूरी बात बताओ, क्या बात है, क्यों बिजली पानी, कब से नहीं आपके पास बिजली पानी? हाँ जी हमारा नीचे अपर ग्राउंड फ्लोर था, और ऊपर 2 पार्टी और रहती थी, इन्होंने हमारा एग्रीमेंट किया कि हम बिल्डर हैं बना के देंगे, इन्होंने ऊपर वालों से खरीद लिया, ऊपर वाली बिल्डिंग जो 2 फ्लोर इन्होंने बनाए और हमें बना के दिया, हमारा बन गया अपर ग्राउंड। ये हमारे से इन्होंने एग्रीमेंट कराया कि अब पहले 33% था, अब 25% हो गया, रजिस्ट्री करवाई, हमें ये बोला कि हम 25% की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, और इन्होंने हमारे से धोखाधड़ी में, हमें नहीं पता रजिस्ट्री कराई क्या कराया, हमें नहीं पता, इन्होंने हमारे को ये भगोड़ा साबित करने के लिए इन्होंने हमें बोल दिया घर से आप गायब हो जाओ। हम घर से गायब क्यों हो जाए, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। इसने हमारे साथ फिर बिजली पानी हमारा दोनों कटवा दिया। हमने वहाँ अप्लाई किया तो वो कहने लगे कि हमने पहले ही अप्लाई कर रखा है, उनके नाम का अप्लाई है, आपका तो यहाँ पे आ गया है, कि इन्होंने बोला कि हमें मीटर नहीं चाहिए अनिल मेहता ने, जबकि अनिल मेहता ने नहीं बोला, इन्होंने अपना इनका नाम लेके कटवा दिया। अनिल मेहता कौन है? अनिल मेहता मेरे हस्बैंड है। अच्छा, लेकिन ये चंदर ने अपना नाम, इनका नाम लेके वहाँ जाके ये लेटर दे दिया कि हमें नहीं चाहिए, कटवा दो, मीटर कटवा दिया हमारा। किसने कटवाया, नाम क्या उनका? डीलर चंदर वैद। अच्छा, और अरविंद वैद, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, और ये हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं, हमारे साथ इन्होंने फ्रॉड किया। हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके हमने रजिस्ट्री को कैंसिल भी कराया, हमारे पास बकायदा उसकी स्लिप भी है, हमने वो भी दिखाई, हमने 3 बारी 112 नंबर पे भी फोन किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने नहीं सुना। हमारा बिजली पानी कटा हुआ है, हम बिजली में वहाँ जाके अप्लाई किया, उन्होंने कहा जी उन्होंने यहाँ रजिस्ट्री लगा रखी, हमने कहा रजिस्ट्री ये देखो हमारे पास है, हमारे पूरे बिजली के बिल के रिकॉर्ड हैं, ये देखो सारे पुराने, और हमारे पास पूरी रजिस्ट्री है,
इनको हमने पहले बता रखा था हमारा बैंक में लोन चल रहा है, हमारे मकान नहीं बेच सकते ना खरीद सकता कोई, तो इन्होंने पता नहीं क्या हमारे से फ्रॉड धोखा करके साइन कराए, अब हमारा बिजली पानी लगने नहीं दे रहे। कल बिजली वाले आए हैं लगाने, उनको इन्होंने पता नहीं क्या बोला फ़ोन पे और उनको भगा दिया यहाँ से। और फिफ्थ फ्लोर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ना पहले बनी हुई थी इनकी, वहाँ पे कंप्लेंट किसी ने की, वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा आके तोड़ के दिखाया, उसके बाद फिर बन रही है। फिर इन्होंने मतलब एमसीडी पहले तोड़ के जा चुकी है, उसके बावजूद भी इनका बन रहा है। नीचे इन्होंने बोरिंग का पानी भी लगा रखा है, जबकि बोरिंग भी अलाउड नहीं है। इन्होंने गेट पे ताला लगा दिया, हमारी गाड़ी नहीं अंदर जाने दे रहे। मेरे दोनों टांगों में रॉड पड़ी हुई है, मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मैं दो बारी गिर चुकी हूँ, मेरा बच्चा छोटा सा 2.5 साल की मेरी पोती है। इतना इन्होंने हमारी को बहुत ज़्यादा जलील कर रखा, इतने दुखी हो गए हैं, हर जगह हमारी कोई नहीं चल रही है। अच्छा क्या जो अभी बता रहे थे बिल्डर है, वो तो आपसे पैसे मांगते हैं? वो हमारे को कहते हैं कि जो मेरा खर्चा हुआ है वो हमारे को 15-20 लाख रुपए दो, हमने वकीलों को खिलाया है, हमने सर्वर को खिलाया, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं, हमने कहाँ कहाँ खिलाया है, तो इसको पुलिस वालों को खिलाया, हमें वो 15-20 लाख का खर्चा है वो हमें दोगे तो हम बिजली लगने देंगे। कितने दिन से आप बिजली बिना बिजली पानी हम आज महीना होने को आ रहा है, 25 दिन तो हो ही चुके हैं। तो गुजारा कैसे हो रहा है फिर? हमने ये पड़ोसियों से एक बल्ब ले रखा है और ये पानी का पाइप लगवा रखा है, जो आप देख सकते हैं ऊपर से आ रहा है। बहुत मुश्किल है लाइटिंग बाथरूम के लिए, अंदर उठा उठा के बाल्टियाँ ले जानी, बिजली के बिना हम टॉर्च लेके आए हैं, मोमबत्ती लगा रखी है, इस तरह हम गुजारा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पर भी सुनवाई नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आपका क्या नाम है बहू जी? मेरा नाम रवि भूषण बाली है, मैं इनका बड़ा ब्रदर हूँ, सीनियर सिटीजन। जी जी, अच्छा क्या बताओगे बाबू जी, क्या समस्या आ रही है, किस तरह से झेल रहे हो समस्याओं को? समस्या तो है ही है, जब छोटी बहन के साथ समस्या है तो घर में सारे वाले समस्याओं में तो पड़ेंगे ही, और चिंता भी है। मुझे डिप्रेशन का रोग भी है, जब इनके यहाँ से कोई फ़ोन मुझे जाता है तो मेरा डिप्रेशन बढ़ जाता है। मैं सीनियर सिटीजन 75 साल का हूँ, मुझे बहन के मारे बार बार दुखी होना पड़ता है, यहाँ आना पड़ता है। मेरा सीनियर सिटीजन कार्ड भी बना हुआ है दिल्ली पुलिस का, फिर भी कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, मेरे मदर फादर तो है नहीं। हाँ जी? मेरे मदर फादर है नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। ये मेरे फादर की जगह हैं, अब मैं कितना इनको बुलाऊं, बार बार तंग करूं बेचारों को, इनके भी रॉड पड़ी हुई है, बार बार ही आते हैं, इनके भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनवाई हमारी बिल्कुल भी। बड़ी शर्म की बात है कि इस उम्र के अंदर यहाँ पर इन लोगों को बिना बिजली को, और एक महीना पूरा, एक महीने से ये लोग, आप खुद समझ रहे हैं, अगर गर्मियों के समय में एक मिनट भी लाइट नहीं होती है तो गुजारा किस तरह से होता है, और यहाँ पर तो इनको पूरा एक महीने से ज़्यादा होने जा रहा है यहाँ पर बिना बिजली के, बिना पानी के, और किस तरीके से गुजारा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ी या पार्किंग में लगने देते, और कहीं ना कहीं 20 लाख रुपये की, फिर बता दूँ 20 लाख रुपये की अवैध तरीके से रिश्वत मांगी जा रही है। नज़दीकी क्षेत्र के यहाँ पर जो भी क्षेत्र के DCP साहब हैं, निवेदन करूँगा इस मामले में एक बार निष्पक्ष तरीके से जाँच की जाए, और जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और साथ ही साथ इनको बिजली का जो काम है, जो साथ ही साथ पानी का है, वो तुरंत इनको मुहैया करवाया जाए, क्योंकि इस उम्र के अंदर बिना बिजली पानी के आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से ये लोग गुजारा कर रहे होंगे। बाकी इस खबर के अंदर यहीं तक रखेंगे, खबर अच्छी लगी तो शेयर करते चलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।